राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं पन्नों के बीच में दब के रह गया है। दिल है, धड़कता है, लेकिन वो जो धड़कन है वो कोई जान नहीं पाता है। उस धड़कन में जो लय है, जिसकी नाम की गूंज है, वो कोई नहीं जानता है। हम सब जानते हैं श्री राधे का दिल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था, या मैं कहूं धड़कता है, और श्री कृष्ण का दिल श्री राधे के लिए धड़कता है। उसी तरह ये जो सत्य प्रेम की कथा है जो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं, ये ऐसी दो आत्माओं की कथा है जो कहने के लिए दो थे लेकिन वो एक हैं। पूर्वा एक लड़का जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, उत्तरा जो उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जो पूर्वा ने अभिव्यक्त किया। ये जो कहानी है वो पूर्वा और उत्तरा की है। पूर्वा एक लड़का और उत्तरा एक लड़की। पूर्वा ने अपने यौवन समय में का अर्थ मतलब ये, जब वो प्रेम के भाव में बह रहा था, तो उसने एक कविता लिखी, एक कविता की रचना की, और उस कविता में उसने प्रेम को पिरोया और अपने जीवन साथी को अभिव्यक्त किया कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। पूर्वा अंदर से प्रेम था, लेकिन जो बाहर था वो कुछ और था। क्योंकि जब जब प्रेम ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, ये दुनिया कभी समझ नहीं पाई, इसलिए प्रेम को हमेशा बार बार अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। पूर्वा का जो जीवन था वो एक ऐसा जीवन था जिसमें सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष था, लेकिन उस संघर्ष में वो हाथ में कलम लिए हुए कुछ ना कुछ व्यक्त करता रहता था अपने जीवन के प्रति। और उसने कहीं ना कहीं अपनी कल्पनाओं में एक प्रेम शक्ति को जन्म दिया, उसका नाम उत्तरा था। अब जो पूर्वा है उसकी निगाहें सिर्फ उत्तरा को ढूंढती थी कि कहीं तो वो मिले जो उसके अंतर मन में है, उसका रूप जो उसने बनाया है अपने अंदर वो कहीं तो बाहर दिखाई दे। समय बीतता गया, पूर्वा का जो संघर्ष है वो चलता रहा, जीवन आगे बढ़ता रहा, जिम्मेदारियां आई, परिवार, प्रैक्टिकलिटी, इमोशंस, रिलेशनशिप, दुनियादारी, इसमें वो फंस गया। लेकिन फिर भी उसका अंतर मन, जो अंतर आत्मा है, वो उस उत्तरा को ढूंढता रहा कि कहीं तो वो मिले, कहीं तो वो मिले। और एक बार ऐसा हुआ कि ईश्वर ने उसकी पुकार सुनी, और जब ईश्वर ने उसकी पुकार सुनी तो उसने अपने उत्तरा को अपने सामने पाया। जो पूर्वा ने सोचा था, जो अपने अंदर उसने अभिव्यक्त किया था, जो उसकी छवि थी उसके अंदर, वो रूप उसके सामने था। जब उत्तरा ने पूर्वा को पहली बार देखा तो उसे ऐसा लगा ये कुछ जाना पहचाना सा है, और पूर्वा तो जानता ही था कि जो मेरे सामने है वो कोई और नहीं है, बल्कि जो मेरे अंतर मन में है वो मेरा ही एक अंश है, मेरा ही एक रूप है जो बाहर प्रकट हुआ है। इन दोनों के मिलन से एक प्रेम कहानी ने जन्म लिया, एक प्रेम कहानी ने जन्म लिया। और ये जो प्रेम कहानी है वो सत्य प्रेम की कथा बनी, वो सत्य प्रेम की कथा बनी। हमेशा ये दिखाया जाता है पिक्चरों में, कहानियों में, कि दो प्रेमी मिलते हैं, बिछड़ते हैं, संघर्ष होता है, वापस वो मिल जाते हैं। लेकिन ये सब कहानियां हैं, असल जिंदगी कुछ और होती है, असल जिंदगी के कुछ मायने अलग होते हैं, और वही मायने पूर्वा और उत्तरा के सामने थे। पूर्वा जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, और उसे सिर्फ उत्तरा ही मिली जिसमें उसने सब कुछ पा लिया था,
उसकी परीक्षा फिर ली गई, उसे चुनना था, पूर्वा को कुछ चुनना था, या तो वो परिवार को चुन सकता था या वो उत्तरा को चुन सकता था। उत्तरा जो उससे जी भर के प्यार करती थी, तहे दिल से प्रेम करती थी, जिसने उसे अंतर्मन से स्वीकार कर लिया था, उनके सामने एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में दोनों को एक निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय अपने आने वाले भविष्य का, अपने आने वाले कल का। लेकिन ये जो निर्णय था वो आसान नहीं था, क्योंकि उत्तरा नहीं चाहती थी कि वो पूर्वा से दूर रहे, और पूर्वा भी ये नहीं चाहता था कि वो उत्तरा से दूर रहे। लेकिन विधि का विधान अलग था, विधि का विधान अलग था। ये जो दो प्रेमी थे, जो बाहर से दो थे लेकिन अंतर्मन से एक थे, उन्हें ईश्वर ने अलग कर दिया, अलग कर दिया। पूर्वा ने कहा उत्तरा से, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। क्या कारण है ये तुम्हें मैं बता नहीं सकता, लेकिन कभी हो सके तो इतना समझ लेना कि मैं गलत नहीं हूं। मैंने जो भी किया वो हम दोनों के भले के लिए किया। उत्तरा इस बात को समझ नहीं पाई, और उत्तरा ने पूर्वा से कहा कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने अंतर्मन से तुम्हें अपना सब कुछ माना, तुम्हें मैंने वो प्रेम दिया, और आज तुम उसी प्रेम का हाथ छोड़ के जा रहे हो। पूर्वा ने कुछ नहीं कहा, उसके आंसू उसके अंदर ही सूख गए थे, क्योंकि वो जो बताना चाहता था उत्तरा को वो कभी बता नहीं सकता था। क्योंकि जीवन कुछ ऐसा होता है जहां पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हम अंतर्मन से स्वीकार भी नहीं कर सकते, फिर भी वो हमें करना पड़ता है। और यही पूर्वा की सबसे बड़ी तकलीफ थी, दशा थी अंदर की, कि जो वो कर रहा था वो बाहर सबको दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था ये कोई जान नहीं पा रहा था। फिर वो समय आया जब पूर्वा और उत्तरा दोनों अलग हुए, और जाते जाते उत्तरा ने पूर्वा से कहा कि ये जो पल है ये दोबारा लौट के नहीं आएगा, लेकिन इस पल को तुम कभी जीवन में भूल नहीं पाओगे। जिस उत्तरा ने अपना हाथ तुम्हें दिया था, आज उसी का हाथ छोड़ के तुम जा रहे हो। क्या इस सत्य से तुम कभी भी भाग पाओगे, इसको समझ पाओगे, इसको भुला पाओगे? तो पूर्वा ने एक बात कही उत्तरा से, उसने कहा मेरे जीवन का एक सत्य है उत्तरा। उत्तरा ने पूछा वो क्या? कि मेरे जीवन का एक सत्य ये है कि जिसको भी मैंने सबसे अधिक चाहा, जिससे भी सबसे अधिक प्रेम किया, वो हमेशा मुझसे छूट गया। और ये मैं ही जानता था कि जो प्रेम मैं तुमसे कर रहा हूं वो इसी अंजाम तक पहुंचेगा। उत्तरा समझ नहीं पाई, दोनों अलग हो गए। पूर्वा उसकी यादों में जिया, उत्तरा उसे भुला नहीं पाई। कुछ समय बीता, दोनों की अलग अलग शादी हो गई, दोनों ने अपने अलग अलग जीवन जिया। लेकिन एक पल ऐसा आया दोनों के जीवन में जब ईश्वर ने दोनों को वापस मिलाया, वापस मिलाया। दोनों वापस मिले कई वर्षों बाद। उत्तरा ने जब पूर्वा को देखा तो एक पल देखती रह गई, और पूर्वा ने भी जब उत्तरा को देखा तो वो भी देखता रह गया। दोनों ने कुछ कहा नहीं, आंखों ही आंखों में जो कहना था वो कह दिया। दोनों एक दूसरे के सामने थे, बहुत कुछ बोलना चाहते थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। जो बात दिल में थी दोनों के, वो दिल में रह गई। पूर्वा ये बता नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ, और उत्तरा ने ये जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी समय के साथ उसे भी ये समझ आ गया कि इसने जो भी किया उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। जिस इंसान ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया
वो मेरा दिल कैसे दुखा सकता है। दोनों खामोश रहे, चुप रहे, एक दूसरे को देखते रहे और फिर थोड़े समय के बाद खामोशी टूटी और उत्तरा ने कहा, मुझे अपने घर जाना है। पूर्वा ने कहा, बिल्कुल, जो तुम्हारा है तुम्हें वहीं जाना है और जो मेरा है मुझे उसके पास जाना है। ये जो कहानी है यहां खत्म नहीं हुई, यहां से शुरुआत हुई है इस कहानी की। क्योंकि जो मैं आपको बता नहीं रहा वो ये है कि प्रेम हमेशा पाना नहीं होता है, प्रेम हमेशा निछावर होता है। प्रेम का सबसे बड़ा कारण होता है कि वो किसी को दे। अब आप सबके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जब दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो दोनों एक साथ क्यों नहीं हो पाए, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं, तो वो कैसे बताता। क्योंकि ये जो कहानी है पूर्वा की है, और अगर पूर्वा वो सच्चाई उत्तरा को बता देता तो उत्तरा उस सच्चाई से कभी जुड़ नहीं पाती। आज आपसे कहता हूं कि पूर्वा अपने जीवन में जिस प्रेम को पाना चाहता था वो प्रेम उसके सामने था, लेकिन ईश्वर ने उसे उसका चुनाव करने का हक नहीं दिया। क्योंकि ईश्वर ने उससे कहा, या तो तुम इसकी खुशी चुन सकते हो या तुम अपनी खुशी चुन सकते हो। तो पूर्वा ने ईश्वर से पूछा, मैं समझ नहीं पाया। तो ईश्वर ने कहा, बड़ा सरल है, तुम जिससे प्रेम करते हो उसकी खुशी को चुनना चाहोगे या तुम अपनी खुशी को चुनना चाहोगे। तो पूर्वा ने कहा कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसकी खुशी को चुनना चाहता। ईश्वर ने कहा, तथास्तु, इससे अधिक तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जो तुम आज समझ नहीं पाए वो भविष्य में जाके समझ जाओगे। ये सत्य प्रेमी की कथा है, जिसको समझ में आ गई उसको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और जिसको समझ में नहीं आया उसने प्रेम को जाना नहीं। प्रेम किताबी पन्नों में नहीं होता है, प्रेम अंतर्मन में होता है, अंतर हृदय में होता है। और जिस दिन उस प्रेम की गहराई से जुड़ोगे, उस पूर्वा को समझोगे, उस उत्तरा को समझोगे, तब समझ में आएगा कि सत्य प्रेम की कथा क्या होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।